तो मैं ये वीडियो बाथरूम से बना रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा सो रहा है एंड देयर इज लाइफ अपडेट दैट आई मूव टू बी एंड बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंट कुछ महीनों में हुई हैं दैट्स द रीज़न व्हाई आई वाज नॉट ब्लॉगिंग फुल टाइम हाउएवर आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट दिस अगेन एंड आई वांट टू टेक इट अलोंग विद मी फॉर द डे इन माई लाइफ वीडियो टुडे सो इस वक्त हो रहा है सुबह का 5 बज रहा है एंड इट्स वेरी वेरी डार्क आउटसाइड हाउएवर यहाँ पर बहुत जल्दी सनराइज होता है तो लाइक 5:30-6 बजे तक इट विल बी प्रीटी ब्राइट सो बिफोर वी हेड आउट ऑफिस वर्क शुरू करने से पहले मेरे कुछ घर के काम हैं वो मैं पूरे करने वाली हूँ जिसमें सबसे पहला काम तो ये है कि मेरा गेम ने अभी रिसेंटली सॉलिड स्टार्ट किया है तो उसके लिए कुछ बनाना है सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टीम पंपकिन फॉर हिम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू कुक फॉर माई सेल्फ एज वेल सो राइट नाउ आई हैव पावर पनीर विद मी सो आई जस्ट हैव टू कुक राइस फॉर दैट फॉर द लंच पर्पस बाय द वे आई एम अलोन हियर आई एम सिंगल हैंडेडली पेरेंटिंग माई बेबी राइट नाउ बिकॉज माई हस्बैंड इज इन वेस्ट मलेशिया एंड आई एम इज इन पार्ट ऑफ मलेशिया बिकॉज आई हैव गॉट अ जॉब आई हैव मूव्ड हियर सो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊँगी बट फॉर नाउ लेट्स गेट कुकिंग लेट्स गेट रेडी फॉर द ऑफिस एंड जो वाई ऑन माई वे टू ऑफिस तो गाइज अभी हम ऑफिस जा रहे हैं एंड आई एम गोना टेक यू अलोंग विद मी मॉर्निंग सो मी एंड माय बेबी आर गोइंग टू माय ऑफिस एंड आई एम गोना ड्रॉप हिम टू दिस डे केयर सेंटर ऑलराइट सो थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इस बारे में सो बेसिकली व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन मेरी एंड दे वांटेड मी टू कम एंड जॉइन देम तो जब तो मैं प्रेग्नेंट थी तो आई सेड आई विल आई एम प्रेग्नेंट सो दे सेड ओके विल वेट फॉर यू टू जॉइन अस एंड देन आई मीन आई थॉट कौन पूछेगा वापस इट्स जस्ट अ थिंग दैट हैपेंड एंड दैट्स इट बट लेटर ऑन थोड़े टाइम बाद उनका फिर से कॉल आया पूछा कि बेबी हो गया आपका एंड ऑल दैट थिंग एंड नाउ वुड यू लाइक टू जॉइन अस तो फिर उसके बाद मैंने कहा ओके फाइन तो वन गुड डे मी एंड माय हस्बैंड डिसाइडेड कि हम लोग यहाँ पे आते हैं और विजिट करते हैं एंड फर्स्ट वी सी द सिटी बिफोर वी डिसाइड ऑन एनीथिंग तो फिर हमने यहाँ पे आके सिटी देखा एंड वी काइंड ऑफ लाइक दैट स्लो पेस्ड लाइफ है पीसफुल है All those things were like checking our boxes. The only thing was that मुझे अपने हस्बैंड से कुछ टाइम के लिए दूर रहना पड़ेगा एंड मी एंड माई लिटिल वन विल बी विद मी एंड माई एल्डर वन विल बी विद माई हस्बैंड तो ये डिसाइड किया हमने एंड आई मूव हियर इन मार्च सो 1st of March मैंने ज्वाइन किया अपना ऑफिस एंड या आई मीन ये अप्रैल चल रहा है अप्रैल एंड होने वाला है एंड बाई द टाइम यू वॉच दिस वीडियो प्रॉबेबली मई शुरू हो जाएगा तो या सो देन व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि अभी फुल टाइम जॉब है तो बेबी कहाँ रहेगा तो वी डिसाइडेड टू पुट हिम इन डे केयर बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी 6 months ओल्ड एंड ही वाज ऑलरेडी 6 months देन सो हमने डिसाइड किया कि भाई अभी इट्स अ गुड टाइम टू पुट हिम इन डे केयर बिकॉज 6 महीने बाद यूजुअली बच्चा बैठने लगता है बच्चा खाने लगता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता लाइफ तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये डे केयर में जाएगा then searching a daycare was really difficult here तो हमने कोशिश यही की कि भाई अपने ऑफिस के जितने पास हो सके मैं उसका डे केयर ढूँढूँ ताकि इन द मिडल ऑफ द डे इफ देयर इज अ नीड बी इफ नीड बी मैं जाके बेबी को नर्चर कर सकूँ बेबी के पास जा सकूँ एंड एवरी डे ड्यूरिंग लंच आवर आई मेक श्योर दैट आई विजिट माई बेबी वी कैन नो मूव हियर ऑन 1st of March तो अभी यही चल रहा है
बट नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मेरे बिजनेस का क्या, दैट आई हैड बिगन द अदर डे एंड आई डिड कपल ऑफ शोज ऑल्सो, कपल ऑफ फार्मर्स मार्केट ऑल्सो, तो उसका क्या है, वट इज़ द स्टेटस फॉर दैट. सो अभी इट्स बेसिकली सिर्फ 2 महीने हुए हैं दैट आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ द वर्क फॉर माई बिजनेस एट द मोमेंट, बट हाउएवर इट इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कंटिन्यू इट. मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ पहले, लाइक वी फिगर आउट थिंग्स. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेस्ट मलेशिया की तरह यहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो वी हैव टू फिगर आउट ऑल्टरनेटिवस, वी हैव टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसके बाद ही आई कैन एक्चुअली थिंक अबाउट रीस्टार्टिंग माई बिजनेस. हाउएवर यहाँ पर मुझे और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी फील होती है, स्पेशली इन दिस एरिया, इन सारावक वेयर आई एम स्टेइंग, वेयर आई एम लिविंग, तो यहाँ पर मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न मलेशिया. सो मैं कोशिश यही करूँगी कि मे बी आफ्टर 6 मंथ्स मैं फिर से इस चीज़ पर काम करना शुरू करूँ एंड मे बी कम विथ मच बेटर प्रोडक्ट्स. आई मीन आई एम स्टिल डूइंग माई रिसर्च ऑन दैट, आई एम स्टिल ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन माई प्रोडक्ट्स अगैन, एंड मैं बहुत ही बेटर पैकेजिंग, बहुत ही बेटर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा फोकस करना चाहती हूँ बिफोर आई कम बैक अगैन इन आफ्टर प्रोबेबली आफ्टर 6 मंथ्स. सो दीज आर द प्लान्स राइट नाउ एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कीप यू अपडेटेड व्हेनेवर दिस थिंग हैपेंस. मज़े की बात ये है यहाँ पे ना ट्रैफिक जाम नहीं होते, बहुत ही कम होता है ट्रैफिक जाम. मेरे ऑफिस से मेरा घर करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर है, बट इट ओनली टेक्स मी अबाउट 15 मिनट्स टू रीच ऑफिस, एट द मैक्स 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगता. ऑन अ डेज लाइक जब ट्रैफिक जाम या कुछ होता है, ट्रैफिक एक्चुअली नहीं होता है, देयर इज़ वन राउंड अबाउट जहाँ पे थोड़ा सा स्लो मूविंग ट्रैफिक रहता है, तो अगर मूविंग ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एट द मैक्स 20 मिनट्स मैक्सिमम लगता है. एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच इज़ अबाउट 21 to 30 kilometers, अगर आपको जाना है तो इट जस्ट टेक्स यू 30 to 40 minutes, विच इज़ क्वाइट कूल राइट. आई मीन मुझे अरसा हो गया इतने पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे, बिकॉज अभी वेस्ट मलेशिया बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला हो चुका है, एंड ईस्ट मलेशिया में आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन इन दिस काइंड ऑफ थिंग. दिल्ली भी पहले बहुत ही सुकून भरा होता था, बट नाउ ट्रैफिक स्नॉल्स इतने हैं कि भैया आप 1.5-2 घंटे से पहले तो कहीं पहुंच ही नहीं सकते, इवन इफ इट्स 15 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग अपॉन द रश आवर, डिपेंडिंग अपॉन वेयर डू यू लिव, आप 1-1.5 घंटा तो लगा के चलिए कि आपको निकल के पहुंचने में लग ही जाएगा. बट हियर इट्स वेरी क्विक, मैक्सिमम हुआ तो 15 मिनट 20 मिनट, और 20 मिनट से ज़्यादा हुआ तो एवरीबडी फील्स दैट इज़ फार अवे. हाउएवर इट्स नॉट वेरी फार, एनीथिंग इन बीडी इज़ नॉट फार, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर. बट वही चीज़ है कि यहाँ के लोगों को इतना ट्रैफिक का आदत नहीं है, तो पीपल ऑलवेज फील कि 15 मिनट से ज़्यादा अगर ड्राइव करना पड़ रहा है तो विच मीन्स बहुत दूर है जगह. बहुत ही हरियाली भरा जगह है ये, यहाँ पे बहुत हरियाली है. हाउएवर हैविंग सेड दैट कि यहाँ पे हरियाली है, यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत होता है, बिकॉज यहाँ पे आसपास में छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे फार्मर्स पराली जलाते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे हेज और बहुत ज़्यादा एशेस गिरते हैं और हेज होता है बहुत ज़्यादा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है. मैं तो दिल्ली से आती हूँ तो यू नो हाउ इट इज़ इन दिल्ली, इट्स काइंड ऑफ वर्स, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट इवन देन यहाँ पे मुझे बहुत साल हो गए रहते हुए, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील होता है, लाइक गले में खराश वगैरह हो जाता है. हाउएवर फॉर माय न्यू बॉर्न बेबी इट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी, तो हम कोशिश यही करते हैं कि इंडोर्स रहें. बाकी तो भाई हर जगह का, मेरा मानना है हर जगह प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं. यहाँ पे प्रोज हैं कि बहुत हरा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे प्रोज हैं कि ट्रैफिक जैम्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स हैं वो इस तरीके के हैं कि भाई यहाँ पे चीज़ें जल्दी नहीं मिलती हैं, यहाँ पे मॉल्स नहीं है ज़्यादा, 1 या 2 मॉल्स हैं, यहाँ पे थिएटर्स नहीं हैं, विच इन KL भरपूर है, मतलब हर मॉल में आपको थिएटर मिलेगा, बट यहाँ पे 2 ही
इक्का दुक्का मॉल्स हैं और उसमें भी थिएटर नहीं है। यहाँ पे गिनती के दो थिएटर हैं पूरे सिटी में, पर यहाँ पे एक अच्छी पीसफुल वाइब है जो आपको ज़्यादा शहरों में देखने नहीं मिलती है। बी सिटीज़ में थोड़ा सा देखने मिलती है इंडिया में, स्पेशली इफ़ यू गो टूवर्ड्स चंडीगढ़ साइड, लुधियाना साइड, जो वाइब रहती है सारा सारा दिन, उस तरीके की वाइब है यहाँ पे। रिलैक्स लाइफस्टाइल है, पर लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। लोग आर पीपल आर वेरी वेरी हेल्पफुल, विच इज़ इंडीड वन थिंग दैट विल ड्राइव यू टू मूव हियर। यहाँ पे बहुत सारे लोग 20-25 सालों से माइग्रेट होकर रह रहे हैं, मतलब दे हैव मूव्ड कम्प्लीटली ओवर हियर, दे हैव मूव्ड देयर बेस ओवर हियर। तो कहने का मतलब यही है कि भाई कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें नहीं ज़्यादा खास हैं, लेकिन बट इट्स जस्ट दैट वॉट यू वॉन्ट टू, what keeps you happy, what keeps you healthy is something which you should follow. So yeah too much of gyan, right? Ye campus bahut hi mast hai and I want to show you one thing. Ye dekhiye, lakeside campus hai hamara and it has amazing lake. आज ऑफिस पूरा खाली लग रहा है तो मैंने सोचा आपको एक बार ऑफिस टूर करा देते हैं। सो एंटर करते के साथ ये हमारा छोटा सा एरिया है जहाँ हम बच्चों के साथ कंसल्टेशन करते हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं अपने ही केबिन वालों के साथ। अंदर से लिटिल कॉफ़ी डेस्क जहाँ पे हमने अपने कप्स कॉफ़ीज़ वगैरह सब रखते हैं। यहाँ पे कुछ कैंडीज़ रखी हुई हैं जब स्टूडेंट्स आते हैं या प्रॉबेबली हम ही लोग खाते रहते हैं इसको। वहाँ पर कुछ बुक्स इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, एंड यहाँ पे मेरे कलीग्स बैठते हैं। इनका डेस्क एक अलग वाइब देता है। दिस इज़ एम्प्टी, ये मेरा डेस्क है। यहाँ पे मेरा क्लीन एकदम साफ़ सुथरा डेस्क मिलेगा आपको हमेशा। एंड देन यहाँ पे ये खाली एरिया है तो यहाँ पे कुछ लोग प्रेयर करते हैं। एज़ यू कैन सी यहाँ पे कारपेट्स डली हुई हैं। बेसिकली मुस्लिम फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे प्रे करते हैं। एंड दिस इज़ अनदर डेस्क फॉर माई वन ऑफ माई कलीग्स। सो दैट्स अबाउट इट फॉर माई ऑफिस केबिन। और भी लोग काम करते हैं दूसरी दूसरी जगह पर। सो आई यूजली ब्रिंग माई ओन लंच एंड पानी की बॉटल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट्स अबाउट इट गाइज। मेरा डेस्क बहुत क्लीन रहता है और यहाँ पर ना कुकड़ी जमती रहती है। सो वी हैव जैकेट्स एंड आप औरों के भी टेबल पे देख सकते हैं, और आपके भी डेस्क पे देख सकते हैं कि दे हैव स्वेटर्स, शॉल्स एंड एवरीथिंग। सो आपने वीडियो के कुछ बिट्स में देखा होगा कि मेरा बेबी मेरे साथ बैठा हुआ था एंड देन ही वाजंट देयर। सो बेसिकली मैं उसको उसके डे केयर में छोड़ के आई एंड उसके बाद फिर और आगे की चीज़ें कंटिन्यू की आप लोगों के साथ। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। दिस इज़ हाउ माई वर्क डे लुक्स लाइक। आई मीन आई एम गोना मेक अ प्रॉपर वर्क डे काइंड ऑफ अ थिंग सून, बट फॉर नाउ दिस इज़ इट गाइज। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर कीपिंग विद मी एंड सपोर्टिंग मी ऑल दिस वाइल। आई होप टू सी यू ऑल हियर। एंड प्लीज़ 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 आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही मेरे चैनल को बूस्ट मिलेगा। सो प्लीज़ हेल्प मी ग्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ट्यूनिंग इन। बाय।